और क्लासेस मिस कर रही हो? हाँ सर, बहुत ज्यादा. किसी क्लास सबसे ज्यादा मिस कर रही हो? सर आपकी यूट्यूब वाली क्लासेस, जहाँ पर बहुत ज्यादा फन होता था. इस साल और फन हो रहा है, बता. इस साल और भी बहुत कुछ मजा आ रहा है. हाँ सर, मैंने आपके देखे थे इस टाइम के भी कुछ सेशंस, मजे आ रहे हैं बहुत. क्या बात है, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच यार. और पापा अम्मी चले गए ऑफिस, क्या आज है घर पे? नहीं सर, वर्किंग है दोनों. दोनों वर्किंग है. कहाँ काम करते हैं पापा और मम्मी? सर पापा ऑप्टोमेट्रिस्ट है एंड मम्मा टीचर है. वाह, टीचर है माँ. और माँ कहाँ पे, स्कूल पे? सर औरंगाबाद में ही एक स्कूल है वहाँ पर. सर कौन से ग्रेड्स पढ़ाती है? प्री प्राइमरी. क्या बात है, प्री प्राइमरी बच्चों को झेलना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. जितने आप लो ग्रेड पे जाते हो उनको पढ़ाना भी उतना मुश्किल होता है. तो टफेस्ट जॉब इज प्री प्राइमरी. क्या बात है. तो सब तो बचपन में माँ ने बहुत पढ़ाया आपको? हाँ बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा, तो उसी का मतलब रिजल्ट है अभी जो मिल रहा है कि अपना भी बहुत ज्यादा दोष डाला हुआ है? नहीं सर, मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है. लाइक मेरी तरफ से तो है ही, बट मम्मी का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है. लाइक थोड़ी भी अगर मैं कभी भी डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो मम्मी ऑन ट्रैक लाने का काम मम्मी का होता है. मतलब क्या बेलन लेके आ जाती है मम्मी कि कुछ और करती है? बेलन लेकर आ जाती है कि कुछ ऑन ट्रैक करने के लिए कुछ और करती है? बेलन की जरूरत नहीं पड़ती है, मम्मी के वर्ड से लाइक मोटिवेटिंग वर्ड से, तो उतना सुन लिया तो लाइक ऑन ट्रैक आ जाते हैं. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ द मोटिवेटिंग वर्ड? सो मोटिवेटिंग वर्ड लाइक अभी इसी में, लाइक आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट राइट नाउ. तो दो दिन अगर मेरे सपोज वेस्ट हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक थोड़ा सा कुछ तो मिस हो रहा है. तो आई गो टू हर, तो कल की बात है, थोड़ा सा मेरा मिसमैच हो रहा था, तो मम्मी ने एकदम ऐसे पूरा सा अच्छे से टाइम टेबल बना के दे दिया, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है. तो मम्मी ऐसे ऑन ट्रैक लाने में बहुत मदद कर देती है. क्या बात है, मुझे लगा मोटिवेटिंग वर्ड का मतलब होगा तू करेगी नहीं तो फिर खाना नहीं मिलेगा, लाइक सॉर्ट ऑफ दैट. नहीं ऐसा नहीं है. तो समीक्षा जी फिर कहाँ रहती हो आप, जैसा आपने कहा औरंगाबाद में? औरंगाबाद महाराष्ट्र. महाराष्ट्र, ओके. और कौन सा स्कूल है आपका? सर देवगिरी ग्लोबल एकेडमी. देवगिरी ग्लोबल एकेडमी. क्या बात है, ये भी औरंगाबाद में ही है? हाँ यस. ओके दैट्स अमेजिंग यार. और कैसा रहा जर्नी आपका 10th का? अगर मैं आपको पूछूं कि एक स्टेटमेंट बताओ कि जर्नी 10th की मेरी ऐसी रही है तो क्या बोलोगे? So full of experiences, different experiences. क्या बात है. But sweet रही जर्नी बहुत ज्यादा. अच्छी रही मतलब? हाँ. मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला इन जनरल. सीखने को मिला राइट. सो व्हाट वाज, मतलब सर अभी ना सपोज 11th स्टैंडर्ड में आके बहुत सारे जन मतलब मिस्टेक्स कर देते हैं कुछ, तो 10th में वो चीज पता चल गया कि नहीं यार ये मिस्टेक्स तो 11th में नहीं करनी करके. अच्छा, वो चीज पता चल गई. तो ऐसी कौन सी बड़ी गलती है जो आपको लगता है 11th में नहीं करनी चाहिए? सर 10th स्टैंडर्ड में तो था कि लाइक इनकंसिस्टेंटली भी तुम थोड़ा पढ़ते हो तो चल जाता है, बट यहाँ का सिलेबस देखकर तुम बिल्कुल भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकते यहाँ पर, बिकॉज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट डेली. एंड मतलब 10th में भी ऐसा होता था कि मतलब ज्यादा देर तक अगर तुम कोई टॉपिक नहीं उठा लेते हो तो यू नो यू टेंड टू फॉरगेट दैट टॉपिक. तो 11th स्टैंडर्ड में वो चीज नहीं करना है, वो तो समझ में आ गया कि मतलब 10 चैप्टर पढ़ लिए, पहले चैप्टर का रिविजन ही नहीं किया, ऐसा तो नहीं चलेगा करके. 10th में ऐसा हुआ था कुछ कुछ चैप्टर्स जो थे उसको अगर टच ही नहीं किया तो यू नो बाद में याद नहीं आने लगते वो चैप्टर्स, एंड फिर वो बहुत ज्यादा टाइम खाता है. तो ये तो समझ में आ गया कि यार मतलब जो पूरा जो रिवीजन करना है कि उसको मतलब 10 डेज के बाद ही क्यों ना हो, बट उसे तब के तब कर देना है, फिनिश कर देना है कि यार चलो एटलीस्ट एक ग्लांस तो लिया उस चीज पर. फैंटास्टिक है, बिल्कुल सही बात बोला आपने. सिलेबस का बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है जब सिलेबस 10 से 11 पे जाते हैं, 2-3 बुक्स ज्यादा हो जाते हैं. और ऐसी कौन सी सीख होगी, मतलब व्हाट वाज द थिंग व्हिच यू विल कंटिन्यू डूइंग इन 11th व्हिच यू डिड इन 10th? कंटिन्यू डूइंग इन 11th. कैसा फील हो रहा है अभी जब एक्सपेक्ट कर रहे हो अभी इतने? सब 10th का तो मुझे लाइक पर्सनली इतना ये नहीं है कि 10th में कितने गिरेंगे कितने नहीं, 11th पे भी ज्यादा फोकस चला गया है. 10th तो चलो मतलब 10th से कुछ चीजें सीखने को बहुत मिली है सर, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें थी ना वो अभी भी बहुत ज्यादा यूज में आ रही है. फॉर एग्जाम्पल आपने जो अलग अलग रूल्स वगैरह बताए तो वो चीज अभी अच्छा लग रहा है कि चलो उस टाइम रट्टा नहीं मारा, अच्छे से समझ लिया, तो अभी यूज हो रही है वो चीजें. फैंटास्टिक. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सक्सेस मंत्र अगर आपको अपने जूनियर्स को बताना है कि भाई ये तो कुछ करो ना करो ये जरूर करना, तो वो क्या होगा 10th के लिए?
सर मेरे हिसाब से तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, रटने पे बिल्कुल मत जाना. मतलब जितना तुम अभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना उतना ही तुम्हें इलेवेंथ में ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. लाइक फॉर एग्जांपल सपोज हम हैंड रूल्स वगैरह देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, तो सर वो कभी कभी स्क्रू रूल वगैरह वो वेक्टर्स में भी आ जाती है वो चीजें. तो तब अगर तुम रट लोगे ना कि यार ऐसे इसको अच्छा ठीक है ये हाथ ऐसा है ये हाथ वैसा है, तो अगर ऐसा नहीं समझ के अगर चीजें करोगे तो बाद में तुम्हें बाद में समझ में नहीं आएगी. मतलब ठीक है तब तक तुम्हारा चल जाएगा टेंथ के लिए, वेटेज ज्यादा नहीं है, चीजें ज्यादा नहीं है, बट जैसे आगे जाओगे तब वो ज्यादा फिर तुम्हें ट्रिगर करेगा कि तब अगर कर लिया होता तो अच्छा होता था. एग्जैक्टली राइट, बहुत बहुत सही बोला आपने. मतलब बहुत सारे बच्चे टेंथ के मार्क्स के लिए फोकस करते रहते हैं लेकिन अपना लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं. ये काफी सही बात आपने बोली कि आपने लॉन्ग टर्म को सोचना बहुत जरूरी है. कॉन्सेप्ट अगर यहीं पे अच्छे समझ ले तो आगे जाके और काम आएगा, है ना. फैंटास्टिक. तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे थे पूरे साल टेंथ में, तो होगा हुआ होगा कि भाई बहुत सारे डाउट्स आए होंगे, ये डाउट्स आपने कैसे सॉल्व किया? सर डाउट्स एज इन लाइक कुछ भी अगर डाउट्स आते ना सर, तो सर क्वेश्चंस से तो तुम क्वेश्चंस अगर तुम ज्यादा करते हो तो तुम्हें ज्यादा डाउट्स आएंगे ऑब्वियसली. तो जब भी तुम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हो ना तो उस पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना. अगर मतलब मुझे अगर नहीं आता था, सपोज आई एम सॉल्विंग 4-5 क्वेश्चंस, सपोज अगर 5 में से मुझे एक ही क्वेश्चन नहीं आता था तो देन आई एम गोइंग टू ट्राई इट अगेन. अगर अगर नहीं आता है तो आई एम गोइंग टू आस्क इट टू मैम और समवन. और अगर मुझे 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो मैं किसी को नहीं पूछती थी, मैं डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जाती थी कि मतलब आज क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मतलब मेरे कॉन्सेप्ट में गलती है. तो तुम कॉन्सेप्ट फिर से एक बार कर दो, और अगर एक ही क्वेश्चन गलत है तो मतलब ठीक है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो वो तुम्हें टीचर या तो ट्रैक पे ला देगा, फिर तुम उसको एक दो बार सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो क्वेश्चन आ जाएगा अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो. क्या बात है, क्या बात है. तो मुझे एक बात बताओ, वेदांतु में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और डाउट्स को सॉल्व करने के लिए क्या हेल्प मिला आपको? सर डाउट तो या तो टीचर ही अनम्यूट कर देते सीधा, मतलब लास्ट में अगर चाहिए होता था कुछ तो, या फिर डाउट ऐप जो था उसमें भी मतलब अगर इजी क्वेश्चन था तो डाउट ऐप से ठीक है सॉल्यूशन से क्लैरिटी मिल जाता है, और अगर भाषण नहीं होता था तो फिर टीचर्स मतलब दे देते थे अनम्यूट कर देते थे तो हो जाता था क्लियर डाउट. क्या बात है. तो ऐसे कितने डाउट सॉल्व किए होंगे आपने टीचर्स के साथ? बहुत ज्यादा किए थे, लाइक मतलब कुछ के लिए तो स्कूल के टीचर्स भी थे, कुछ के लिए वेदांतु के टीचर्स भी थे, तो दोनों मिलाकर हो जाते थे क्लियर. क्या बात है. और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वेदांतु को क्या हेल्प मिला? तो कॉन्सेप्ट तो टीचर्स ही कर देते अच्छे से, एकदम अलग अलग स्टोरीज से ये से. क्या बात है. फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर कॉन्सेप्ट. अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझती है तो तुम आगे का कुछ भी नहीं कर सकता है कोई भी. क्या तो मैंने ठीक ठाक काम किया था सर? बहुत अच्छा. वो और स्टोरी वो हाथ कमर सारी चीजें यार ऐसा नहीं याद रखना हैंड रूल्स को, बट ठीक है ठीक है, ग्रेटेड कंप्लीटली. तो जाओ बताओ, आपने जोक बोला था वो मुझे ट्रिगर कर गया. आप बोले कि ठीक है चलो वो दोनों ने हैंड रूल तो निकाल दिया, बाद में अगर कुछ उन्होंने बेस्ड रूल ऐसे रूल वैसे रूल निकाल दिए तो एग्जामिनेशन सेंटर वुड हैव बीन या इट वुड हैव बीन अ डिस्को फॉर श्योर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो अभी आपने डाउट्स को बता दिया जूनियर्स के लिए, आपने कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया, प्रैक्टिस कैसे की आपने? क्योंकि ऑफ कोर्स ये बातें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. आपने बोला कि 5-10 क्वेश्चन करने के बाद अगर बच जाता है कुछ चीज तब जाके कॉन्सेप्ट देख देती है आप, एक दो सवाल गलत हुए तो चलता है. हाँ तो सर मतलब कॉन्सेप्ट के लिए 10th स्टैंडर्ड में तो मतलब आपने भी बोला था, मैम वगैरह ने भी बोला था कि एनसीईआरटी से बाहर का तुम्हें कुछ नहीं आने वाला है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये दो चीजों को मैंने अच्छे से किया था, एंड तत्वा बुक्स जो थे उसमें कुछ क्वेश्चंस लगाए थे मैंने. क्या बात. उसके अलावा कोई और रिफ्रेशर आपने ऐड किया था? नहीं सर, उसके मतलब सर बुक्स तो मैंने ले ली थी, लाइक ऑनलाइन पीडीएफ ये वो सारी चीजें ले ली, बट सर होता नहीं है इतना. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आपने कर लिया तो लाइक अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाती है क्लियर, है ना. बताओ ये मैं सालों भर बताते रहता हूं, बच्चों को सुनते नहीं है एंड तक, जो बच्चे सुन लेते हैं तो क्या बात है यार, बहुत बड़ी. नहीं सर स्टार्टिंग में लगता है हमें कि यार ये बुक चाहिए वो बुक चाहिए, इवन मैंने भी ली थी एक दो बुक्स लाइक, बट यू नो जब आप उसका एक चैप्टर कर देते हो ना तो लगता है क्या बोझ है यार ये नहीं आ रहे छोड़. तो आप ये कह रहे हो कि आप एनसीईआरटी करते हुए एनसीईआरटी एग्जाम्पल और वेदांतु के तत्व को करते हुए ही आपने 100% टर्म वन में स्कोर किया विद ऑल योर हार्ड वर्क फॉर श्योर, एंड देन आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो टर्म टू के लिए, है ना. तो मतलब जूनियर्स जो है आपके वो तत्व बुक्स को छोड़ो साइड में रखते हैं, लेकिन करेक्ट एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर दैट. अब मैं एक आखिरी सवाल लास्ट सेकंड सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, ठीक है. प्रैक्टिस अभी प्रैक्टिस में वेदांतु को क्या हेल्प मिला अपार्ट फ्रॉम वेदांतु तत्व बुक्स? सो प्रैक्टिस में तो क्लास में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते थे सॉल्व, एंड यूट्यूब पे एक से बहुत अच्छा सोर्स है, मतलब अलग अलग सीरीज आती रहती है, इतने सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं. राइट. अभी जानते हो टेस्ट और असाइनमेंट्स को आपने अटेंड किया था? हाँ सर टेस्ट को मैंने किया था, असाइनमेंट्स में तो बहुत सारी थी, तो असाइनमेंट्स में मैंने बहुत सारी की थी, बट टेस्ट पे ज्यादा फोकस था बिकॉज मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मेरे असाइनमेंट्स थोड़े से पेंडिंग बच रहे थे लास्ट क्लास में. राइट. तो टेस्ट पे ज्यादा फोकस था. तो हमने साल के एंड में ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज भी की थी और समर बट 5-6 पेपर डिस्कशन भी किया, तो उसको आपने अटेंड किया था? पेपर डिस्कशन राइट वो किए थे मैंने अटेंड किया था. उससे कुछ हेल्प मिला था आपको बोर्ड एग्जाम? हाँ सर, उनमें जो कॉन्सेप्ट था ना उन कॉन्सेप्ट्स का जो एक उसमें जो कॉन्सेप्ट था वही मतलब पेपर्स में आ रहे थे, लाइक मतलब सब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ठीक है सेम क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, बट वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होकर यहाँ पे आ जा रहा है. क्या बात है. अब जी बात बताओ मेरे को ना, आई एम वेरी यू नो सरप्राइज्ड टू हियर, क्या औरंगाबाद से हो तो वेदांतु के बारे में कैसे पता चला आपको?
पता है यूट्यूब से। यूट्यूब से ही तो यूट्यूब का भाई ब्रांडिंग ज्यादा है। अच्छा ठीक है, हाँ। तो यूट्यूब से आपको पता चला। और वहाँ पे मतलब टेंथ में जाते वक्त आपने सोचा था कि मैं ट्यूशन जाने वाली हूँ? नहीं सर, टेंथ में मुझे नहीं लगाना था एक्चुअल में ट्यूशन। अच्छा, मतलब मुझे ये था कि यार मतलब टीचर्स यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं यूट्यूब से, मेरे स्कूल के टीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। एंड लाइक सर, जब मैंने वेदांत ले भी लिया था तब भी मैं यूट्यूब नहीं छोड़ा था, मैंने यूट्यूब में करती थी बिकॉज़ मुझे पसंद थी यूट्यूब की सीरीज थे वो, तो दोनों। अच्छा। भी मैंने किया था। लाइक फैंटास्टिक। तो मुझे बताओ कि ऑफलाइन ट्यूशन से आपने सोचा था, मतलब कि ऑफलाइन ट्यूशन भी ले लेते हैं साथ में, देन विल आल्सो हैव ऑनलाइन सेपरेटली? नहीं सर, ऐसे तो नहीं हुआ था। बिकॉज क्या हुआ था, नाइन्थ टेंथ में पहले ही आप ना मतलब सारे ही जन अकस्टम हो गए थे वो ऑनलाइन। अच्छा, तो अब नाइन्थ से हमारे साथ हो यूट्यूब के लिए। हाँ राइट। अच्छा अच्छा अच्छा, वो चीज़ मतलब नाइन्थ में कोविड भी था तो स्कूल के भी ऑनलाइन ही चल रहे थे। हाँ, आपके तो पूरे अच्छे से ऑनलाइन ही थे, तो इस चीज से ये हो रहा था कि मतलब ऑनलाइन से एक ना कनेक्शन बन गया था कि यार चलो अच्छा है ऑनलाइन, थोड़ा मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे थे कुछ भी, एंड डाउट्स वगैरह सारी चीजें भी सॉल्व हो रही थी। तो मतलब टेंथ का मेरा कुछ नहीं था, मुझे इलेवेंथ ट्वेल्थ पे ज्यादा फोकस था, तो मैंने तीनों ईयर का ले लिया था पैकेज। चलो तीनों साल का ले लिया था। हाँ क्या बात है। तो मुझे एक बात बताओ, पेरेंट्स को कन्विंस करने में कितना टाइम लगा? क्योंकि आप तो कन्विंस थे कि भाई मेरे को नाइन्थ में अच्छा मिला मार्क्स और नाइन्थ में यूट्यूब में काम आया, टेन में यूट्यूब में काम आया, लेकिन वेदांतों के कोर्स खरीदने में पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए वक्त लगा? क्योंकि ऑनलाइन आई एम प्रीटी श्योर पेरेंट्स थोड़ा सा हो जाते हैं। सर मतलब हुआ क्या था बताया क्या, पेरेंट्स खुद भी देखते थे कि यार मैं दिन भर वो एक यार सर के इनके इनके वीडियो देखते रहती हूँ, बोल रहे मतलब उनको पता था कि ये वेदांत प्लेटफॉर्म है करके, तो मतलब उनको वो समझ मतलब उन्हें ये चीज समझ में आ रही थी कि मेरे डाउट सारे क्लियर हो रहे हैं, मुझे कौन सा समझ में आ रही है हो रही है, तो उन्होंने ही कहा था कि मतलब ले लेना क्या, तो थोड़ा डिस्कशन वगैरह ये सारी चीजें कर फिर हमने ले लिया था कि चलो यार टीचर्स अच्छे, सारी चीजें अच्छी, फैकल्टी अच्छी, तो ले। क्या बात है, दैट इज सो स्वीट है, दैट इज, काश सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स ऐसे होते, मजा आ जाता। बिकॉज़ सर पूरे दिन ना टाइम घर पे वही वो वेदांतों का यूट्यूब ही चलता रहता था, बाकी कुछ नहीं। तो बिकॉज़ सर उसमें होता क्या था पता है क्या, ऑन यूट्यूब हम जाते हैं कि यार चलो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास में एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, स्टडी भी हो जाती है, सारी चीजें हो जाती है। That's fantastic. That's how, ना, कि हमारा मंत्र भी वही है कि भाई मजा आएगा तभी समझ आएगा, समझ आएगा तो मजा आएगा, है ना? तो आपको दोनों आया? हाँ दोनों आया सर। क्या बात है। तो अगर आखिरी सवाल इतना ही है कि अगर आपको जाने से अपने 10th के जूनियर्स को अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको कोई भी और you know, टिप देना है तो क्या होगा? सर टेंथ में जब आते हैं ना, आई डोंट नो इन ऑल द स्टेट्स और नॉट, बट ना स्पेशली महाराष्ट्र में, फिर कोई भी स्टेट में ले लो कि ना एक मतलब सारी सबके ऐसा होता है कि टेंथ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। लेकिन जब मैंने एंटर किया था ना टेंथ में, तब लाइक मेरी फ्रेंड का एंड मेरा डिस्कशन चल रहा था जब हम उनके घर पे गए थे, तब तो उनकी मम्मी का ऐसा था कहना कि यार ये टेंथ बहुत ही हार्ड है, कोचिंग लगाना ही पड़ेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, इतना मतलब चीजें होती है, ये होती है, मतलब ना होता इतना हार्ड नहीं है, बट जो लोग बोलते हैं ना उससे लग जाते हैं कि इतनी चीज हार्ड है करके। अन यार ये लास्ट एग्जाम नहीं है, जैसे आप भी कहते हो ना ये लास्ट एग्जाम नहीं है, इसी वजह से यार पहला ही माइलस्टोन है, उससे भी तुम मतलब ये मार्क्स तुम्हें कभी मैटर नहीं करेंगे। सर टेंथ में लगता है कि चलो यार टेंथ के मार्क्स बहुत मैटर करने वाले, बहुत मैटर करने वाले, इलेवंथ में आने के बाद समझते हैं कि टेंथ के मार्क्स तुम्हें इतना मैटर नहीं करेंगे करके। टेंथ वॉज जस्ट मतलब टेंथ ना तुम्हें एक्सपीरियंस ज्यादा देते हैं, मार्क्स से ज्यादा वहां पर एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो, वहां पर जो मिस्टेक्स करोगे वो अगर इलेवंथ में तुम नहीं करोगे तुम्हारा इलेवंथ सीधे से चलेगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर रिपीटिंग दो स्टेटमेंट्स जो मैं साल भर बोलता रहता था, थैंक यू सो मच। मतलब यू आर द लिविंग एग्जांपल ऑफ यू नो टेकिंग ऑल द थिंग्स व्हिच द टीचर्स से। So, मतलब फॉलो करने के बाद आपको कोई रिग्रेट्स तो नहीं है ना ये सारे टिप्स और ट्रिक्स? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। एंड सर एक चीज कहूंगी कि टेंथ में ना थोड़ा ज्यादा एंजॉय कर लेना लाइक पढ़ाई के साथ साथ, बिकॉज़ 11th में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है, तो तुम्हें इतना ज्यादा सेल्फ टाइम नहीं मिल पाता, तो वो चीज कर लेना। राइट, फैंटास्टिक। सो पीपल दैट्स फॉर समीक्षा फॉर यू। समीक्षा थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस यार, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच सर। एंड सर आज यू नो आई एम फीलिंग सो हैप्पी दैट आई एम टॉकिंग टू यू। अरे अरे आई एम प्रिविलेज्ड टू टॉक टू यू बिकॉज़ यू नो यू वर्क रियली हार्ड एंड यू एक्सपेक्टिंग सच गुड स्कोर्स। आई एम रियली हैप्पी दैट, और यही होता है ना कि हमने साल भर मेहनत किया, साल भर हम दोनों ने मेहनत करी, बाद ये आ रहा है रिजल्ट, तो दैट्स व्हाट मैटर्स टू ऑल ऑफ अस। राइट सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। तो बस इतना ही था आज के लिए, ठीक है? एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेम फॉर 11th एंड 12th, एंड यू सेड कि आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। और नीट के बाद आप यू विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर MBBS, या तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट ऑल्सो, मे यू बिकम द ग्रेटेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच सर।